दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता के संदेश और बुराइयों के अंत के संकल्प के साथ अहंकारी रावण के प्रतिमानक 50 फीट पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने बेहतरीन आतिशबाजी के साथ रावण पुतले को जलता देखा। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में लगभग 59 सालों से राष्ट्रीय पर्व समिति द्वारा मनाया जा रहे उत्सव में राष्ट्रीय एकता के संदेश और बुराइयों के अंत के संकल्प के साथ मनाया जाता है। इस कड़ी में मंगलवार की रात अहंकारी रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव में 50 फीट के रावण पुतले का दाह संस्कार किया गया। इस अवसर पर पुतला दहन से पहले रामलीला का मंचन के बाद आतिशबाजी के साथ पुतले का दहन किया गया। साथ ही इस अवसर पर दशहरा उत्सव व रावण दहन के लिए भगवान राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का रूप धरे कलाकारों की टोली तमेरपारा से रविशंकर स्टेडियम पहुंची। रामलीला के मंचन में असत्य पर सत्य के विजय स्वरूप रावण के पुतले का दहन किया गया। राजा रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी और वीर हनुमान जय घोष होने के पहले आप लोग एक बार जय घोष बोलो। भगवान राजा रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी और वीर हनुमान जय घोष होने के पहले आप लोग एक बार जय घोष बोलो। भगवान आपको बता दें कि रविशंकर स्टेडियम में राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति द्वारा दशहरा उत्सव की शुरुआत वर्ष 1964 में की गई थी। तब से यह उत्सव लगातार चलता आ रहा है। दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, डॉक्टर जगदीश सिंह मिश्रा व सीताराम दुबे ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और इस साल रावण दहन के अवसर पर विधानसभा के प्रत्याशी अरुण वोरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इनके साथ ही दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद थे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। ये जो राष्ट्रीय दशहरा पर्व उत्सव समिति दुर्ग का ये 60वां वर्ष है। गत 60 वर्षों से निरंतर चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति रहा हो हमारे स्टेडियम में रावण का वध होता है और अधर्म का नाश मनुष्य के मन में जो बसा हुआ है कुकर्म और अधर्म उसको नाश करने के लिए एक प्रेरणा देती है। जो दशहरा जो है वो हर व्यक्ति के मन में जो भी मतलब बुराई बसा हुआ है उसको नाश करें, उसको दूर करें। ये संदेश हमारा जो उत्सव जो है हम लोग दशहरा का और रावण वध का, रावण एक प्रतीक था कुकर्म का, अधर्म का। तो उसका जो अधर्म और कुकर्म जो होता है उसका चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसका और उसके परिवार का नाश होता ही है। तो इस प्रकार से मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो दशहरा पर्व है। तो आज हम सब इसी बात के संकल्प लें कि हम जितना अधिक अच्छा से अच्छा काम कर सकें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, मानव जीवन के लिए। और मैं दशहरा पर्व की सभी को बधाई देता हूँ। 6-7 साल हो गए रावण बना तभी, पिछले साल नहीं बने रहे ही है दोस्त, है ना। हम तो है कि जो ऊपर वाले दे रहे एक पात्र का किरदार निभाते हैं यहाँ पे अमेरपारा किला मंदिर की टीम की तरफ। सर्वज्ञानी
स्वर्गवारी पंडित का एक अनुभव होता है। वास्तव में इस धरती में तो कोई नहीं है स्वर्गवारी, लेकिन जिस दिन हम रावण का रूप लेते हैं यहाँ पे, उससे हमको आभास होता है हम यहाँ पे स्वर्गवारी हैं, पंडित हैं। सत्य की ही जीत होती है, भले लेट होता है लेकिन सत्य की ही जीत होती है। दुर्ग शहरवासियों को विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की और अहंकार पर विनम्रता की जीत का ये जो पर्व है, आज हम सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब का जीवन खुशहाल हो और हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम लोग सभी सत्य की राह पे चले, अहंकार हमसे कोसों दूर रहे और ये सब अगर हम अपने अपने जीवन में करते हैं तभी हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। नदी का इतिहास बहुत पुराना रहा है, साल 1965 से लेके पहले ये रावण भाटा के रूप में जाना जाता था। बड़े वोरा जी, मानी मोतीलाल वोरा जी, श्री शंकरलाल ताम्रकार जी, डॉक्टर जगदीश प्रसाद मिश्रा जी और बरेई समाज के द्वारा ये आयोजित किया जाता रहा। मुंशी रजा जी का फायरवर्क चलते रहा, 1965 से चलते आते तक ये आज लंबा इनका इतिहास रहा है। तमिल पारा से राम लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी लेकर आई जाती है, रावण के रूप में लेके आते हैं और यहाँ पर राम रावण का युद्ध होता है और प्रतिमा स्वरूप यहाँ पर रावण की प्रतिमा बनाई गई है, उसका यहाँ पे दहन किया जाता है। आयोजन के माध्यम से यहाँ पे अहंकार के अंत का, असत्य पे सत्य के विजय की यहाँ पे संदेश दिया जाता है। बहुत पारिवारिक रूप से माहौल है और ये इतिहास बहुत पुराना है यहाँ पे। दशमी पर्व की मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शहरवासी हमारा परिवार है और परिवार के सदस्य के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। विजयदशमी का पर्व हमें इस बात का संदेश देता है कि अधर्म पर हमेशा धर्म की जीत होनी चाहिए और असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होनी चाहिए और जीवन में अहंकार को कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार हमारे जीवन में आ गया तो ये मानकर चलिए जैसा रावण का वध होता है ना, अहंकारी रूपी रावण का वध आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करने जा रहे हैं। ये इस बात हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छी बुद्धि दे, हम सबका जीवन खुशहाल हो, हम सब एक साथ रहें और अपने जीवन की सार्थकता को भगवान श्री राम के सिद्धांत के अनुरूप हम उसे पूरा कर सकें। मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।